नमस्कार, स्वागत आपका न्यूज 24 पर। मैं आपके साथ पूजा राठौर शर्मा। और चलिए सबसे पहले बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। करणी सेना के अध्यक्ष गोगामेड़ी हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। राजस्थान पुलिस ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के साथ ज्वाइंट ऑपरेशन में हत्याकांड के 3 आरोपियों को चंडीगढ़ से हिरासत में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 22 से मुख्य आरोपी रोहित राठौर और नितिन फौजी समेत 3 आरोपियों को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। तीनों को ही कल देर रात दिल्ली लाया गया। इस पूरे मामले पर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच के स्पेशल सीपी रविंद्र यादव ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनिए। तो कल रात में चंडीगढ़ में हमारी टीम्स ने इंटरसेप्ट किया इनको और इन तीनों को वहां से लेके आए और अब इनको हम गिरफ्तार करके इसको राजस्थान पुलिस के हवाले जयपुर के लिए रवाना करें। तीनों का रोल क्या है? गोल्डी बरार के क्या सर? देखो, दो तो शूटर हैं और तीसरा जो ये उधम सिंह है, ये हिसार से इनका सब टैक्सी वगैरह करा के इनको लॉजिस्टिक्स प्रोवाइड करके पैसा वैसा और हिमाचल तक इनको लेके गया और इनको पूरा लॉजिस्टिक प्रोवाइडर उधम सिंह। हाँ, वो सारे एंगल जो है अभी मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी इंट्रोगेशन चल रहा है और नितिन फौजी का भी चल रहा है, इनका भी चल रहा है, उसका खुलासा बाद में किया जाएगा। तो देखिए, 3 की गिरफ्तारी हुई है, उनमें से 2 शूटर हैं और तीसरा वो शख्स है जिसने इन दोनों शूटर्स की मदद की थी भागने में। और मेरे सहयोगी विमल कौशिक दिल्ली से जुड़ गए हैं सीधा। विमल, मैं समझना चाहूंगी आखिर इन तीनों तक कैसे पुलिस पहुंची, इस बीच उस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद क्या कुछ इन लोगों ने किया, कहां तक भागने की कोशिश की और कैसे पुलिस के हत्थे चढ़े। जी बिल्कुल, देखिए रविंद्र यादव जो स्पेशल कमिश्नर हैं, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये तमाम जानकारी दी कि जब इन्होंने सुखदेव सिंह गोगामेड़ी की हत्या की उसके बाद ये वहाँ से भागे और जो राजस्थान पुलिस जो इनकी तलाश में लगी हुई थी उनको सूचना मिली कि ये दिल्ली की तरफ इन्होंने मूव किया है, तो जिसके बाद दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच से उन्होंने संपर्क किया और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने लगातार इन पर जो है वो नज़र रखनी शुरू की। तो जानकारी मिली जब तमाम इलाके के सीसीटीवी खंगाले गए तो उससे जानकारी मिली कि ये धारूहेड़ा तक रोडवेज की बस से आए थे और वहाँ से एक ऑटो पकड़ के ये स्टेशन गए, रेवाड़ी स्टेशन, और वहाँ से फिर हिसार गए और रेवाड़ी में इन्हें मिला उधम सिंह नाम का वो शख्स जो लगातार इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट दे रहा था, इनके लिए पैसों का इंतजाम किया और उसके बाद इनके लिए टैक्सी कराई। पहले जब ये हिसार पहुँचे और हिसार से उधम सिंह पहले इन्हें टैक्सी कराकर कहीं ले जाना चाहता था लेकिन टैक्सी को ये सोचकर रह गए क्योंकि लगातार राजस्थान पुलिस भी दबिश दे रही थी, दिल्ली पुलिस भी लगातार इनकी तलाश कर रही थी और हरियाणा पुलिस को भी अलर्ट कर दिया गया था, तो जाहिर तौर पर वो भी तलाश में थे, तो इसीलिए इन्होंने टैक्सी ना करके उधम सिंह ने अपनी ही गाड़ी पर गाड़ी में इनको बिठाया और उसके बाद वो सीधा हिमाचल लेकर गया। हिमाचल में पहले ये कुल्लू पहुंचे, कुल्लू से मनाली गए लेकिन वहां पर भी इन्हें डर सताने लगा गिरफ्तारी का, तो जिसके बाद ये मनाली से वापस चंडीगढ़ पहुंचे और कल शाम जब ये चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में एक बार में बैठकर जब वहां पर ड्रिंक कर रहे थे तो वहीं पर ये आगे की प्लानिंग बना रहे थे, उसी समय दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और राजस्थान पुलिस की ज्वाइंट टीम वहां पर पहुंची, जिसके बाद जो रोहित राठौर और नितिन फौजी और उधम सिंह तीनों को वहां से हिरासत में लिया गया, जिसके बाद नितिन फौजी को राजस्थान पुलिस वहीं से रात को लेकर राजस्थान निकल गए, जबकि रोहित राठौर और जो उधम सिंह था जो इनका लॉजिस्टिक सपोर्टर था उसको लेकर क्राइम ब्रांच की टीम इसी सेक्टर 8 के ऑफिस में आई थी और यहां से अब से कुछ देर पहले उन दोनों को निकाल कर सीधा जयपुर के लिए भेज दिया गया और जयपुर पुलिस के हैंडओवर किया जाएगा। हालांकि इस दौरान दिल्ली पुलिस ने कई सवाल उनसे पूछे हैं लेकिन जहां तक मोटिव की बात है वो फिलहाल साफ नहीं हो पाया है क्योंकि राजस्थान पुलिस के इस मामले में अब तक अगर इन दोनों को और शामिल कर लें क्योंकि रोहित राठौर और उधम सिंह को तो कुल 4 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इन चारों को अब आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी और एक एक शख्स का रोल तलाशा जाएगा इस मामले में। जो वीरेंद्र चाहल है उसकी भी भूमिका है क्योंकि वीरेंद्र चाहल को रोहित गोदारा जिसने इस मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। जयपुर ही रुक कर रही हूं, मेरे सहयोगी केजे श्रीवस्तन जुड़ गए हैं सीधा जयपुर से लाइव। तो केजे, मैं जानना चाहूंगी क्या फिलहाल अपडेट, क्या ये जो तीनों ही आरोपी हैं क्या ये पहुंच चुके हैं राजस्थान पुलिस के पास और अब आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? जी देखिए, इस वक्त मैं जयपुर के सोडाला थाने पे हूं और यहीं पर ही जो शूटर है नितिन फौजी उसे रखा गया है, यहाँ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं, उसके साथ जो इनकी सहायता कर रहा था राजवीर वह भी यहाँ पर रखा गया है और खास बात यह है कि एक आरोपी और है जिसे लाया जा रहा है वो दिल्ली से
उधम और राजेश राठौर को दो आरोपी और हैं जिन्हें दिल्ली से लेकर आया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नितिन फौजी और इस मामले के मास्टरमाइंड शूटर का गिरफ्तार हो जाना शायद राजस्थान पुलिस जयपुर पुलिस के लिए सबसे बड़ी राहत की बात है, क्योंकि 72 घंटे का अल्टीमेटम भी खत्म हो रहा था और खत्म होने के साथ ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम के साथ मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया और जयपुर पुलिस को कामयाबी मिली है। कई स्पेशल टीम का गठन किया गया था, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, उनके मोबाइल फोन के सीडीआर सहित तमाम चीजों की जांच की थी और उसी के आधार पर लगातार उन पर उनके हर लोकेशन पर निगाह रखी हुई थी और उसी लोकेशन को ट्रेस करते हुए यह गुड़गांव पहुंचे थे और वहां पर जाकर इस पूरी घटना को चंडीगढ़ के सेक्टर से अंजाम दिया गया था। और अब यहां पर नितिन फौजी आ गया तो निश्चित तौर पर उससे जब पूछताछ होगी तो उसके बाद कई और खुलासे होंगे कि इस पूरी घटना के पीछे कौन सबसे बड़ा मास्टरमाइंड था, किस तरह से यह पूरा हत्याकांड की साजिश रची गई थी, षड्यंत्र के पीछे कितने और लोग शामिल हैं और उसी वक्त को क्यों चुना जब उसका जब सुखदेव सिंह गोगा मेडी के पास कोई सुरक्षा कर्मियों के पास हथियार भी नहीं थे, उनके हथियार चुनाव आचार संहिता के कारण ले लिए गए थे और उस वक्त जब घर के अंदर पहले जाके नाश्ता करना और उसके बाद दनादन गोलियां बरसाना, क्या इसके पीछे और भी कोई बड़ी साजिश थी, वजह क्या थी हत्याकांड की? शायद जब नितिन फौजी और राजवीर जैसे तमाम जो आरोपी हैं उनसे जब पूछताछ होगी खुलासा होगा। तो फिलहाल राजस्थान पुलिस ढूंढने की कोशिश करेगी आखिर इस हत्याकांड के पीछे मुख्य कारण क्या रहा है, क्या साजिश रची जा रही थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विमल और साथी केजे इस तमाम जानकारी के लिए।